दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप कोई बैंक एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपके काम क्या होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? आइए एक मिनट में मैं आपको समझाता हूं। आपने अगर कभी भी किसी बैंक को विजिट किया है तो आपने देखा होगा अलग अलग एम्प्लॉयज जो है अलग अलग फंक्शंस कर रहे होते हैं। यकीन मानिए वो सारे फंक्शंस आपने भी करने होते हैं जब आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं। सारे जनरल बैंकिंग के जो भी फंक्शन है, चाहे वो चेक इश्यूएंस हो, चाहे वो एटीएम कार्ड बनवाना हो, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो, चाहे वो लोन के बारे में जानकारी देना हो, चाहे डीडी या ड्राफ्ट के बारे में जानकारी देना हो, इसके अलावा लोन डिसबर्सल हो गया, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी हर स्टेप जो जनरल बैंकिंग में इन्वॉल्व रहता है वो सब आपने ही करना है। सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि आप तो मैनेजर पोजीशन पर गए हैं तो ये सारा क्लैरिकल लेवल का काम आपसे क्यों करवाया जा रहा है? देखिए, दो साल बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तो आप किसी छोटी सी ब्रांच में हो सकता है, पूरे ब्रांच की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो, और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए सबसे पहले आपको माइन्यूट फंक्शंस जो है वो पता होने चाहिए। और यही कारण है कि हर बैंक जो है बिलीव करता है कि लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस से काम किया जाए, कि आप कर सीखें रादर देन थ्योरी में सीखने के। इसीलिए हर छोटा फंक्शन जो है वो आपने निभाना होता है और आपने करना होता है।